कि आप जो बोलते हैं बिंदास बोलते हैं और सच बोलते हैं देखिए किसी हम... से डरते नहीं आप सच बोलना शुरू कर दोगे हमारा विधायक भी ठीक रहेगा उसके कारिंदे भी ठीक रहेंगे हम लोग भी ठीक रहेंगे बैटिंग और बॉलिंग का इशारा कर रहे हैं आप दोनों मान के चलो आप आपने चुनकर जो है इनको लाया फिर ये चमचा एंड कंपनी जो बोलती है हाउस का ये सब इतना ज्यादा इश्यू बन चुका है कि अब इस पर बोलने से कोई मतलब नहीं रह गया क्योंकि कब्रिस्तान के ऊपर तो मेरा और अवार्स एप का विवाद था शहर के हिसाब से कभी मीटिंग नहीं की गई सुभाष भोईर जी से मेरी कुछ नाराजगी थी तो वो सारी दुश्मनियाँ अकेले मेरे गले में आई पूरे शहर के हमारे मराठी नेता और हिंदू नेता वो मेरे मुँह मुखालिफ हो गए मेरे खिलाफ़ प्रचार किया गया कि मैं गाय का गोश्त बांटता था ना मैंने जितेंद्र अवार्ड से चवन्नी लिया है तो पदाधिकारी गलत है कलवा मुमरा का अध्यक्ष गलत है भाई साहब गलत है सारे लोग गलत है ये अधिकारी लोग सही है जिस नेता ने अधिकारी की बात सुना मुमरा को ख़त्म करने वाला आदमी अगर कोई है तो गुमदारे के साथ भी ईमानदार रहूंगा मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स मुमरा शहर की राजनीति जो है वो काफ़ी अलग चल रही है ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कौन किसके तरफ है कौन किसके तरफ नहीं और कुछ बताया भी नहीं जा सकता लेकिन एक के बाद एक कहीं कही ना कहीं कोई जितेंद्र भाट के समर्थन में आकर बयान देता है तो कहीं कोई जितेंद्र भाट के ख़िलाफ़ आकर बयान देता है ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अली भाई साहब उनसे बात करेंगे भाई साहब आपको भी लेकर शहर में काफ़ी चर्चाएँ रहती हैं और आपने भी एक बार बयान दिया था कि एक साल दो साल तीन साल पाँच साल दस साल पंद्रह साल जिता कर आपने दिया एम बनाया अभी आप आगे किसको एम बनाने वाले देखिए मैं पार्टी के साथ हूँ मेरे पार्टी नेता पवार साहब है और मैं अपनी पार्टी के साथ बड़ी ईमानदारी के साथ हूँ जब पार्टी के साथ ईमानदारी से हूँ तो नेचुरली बात है आमदार के साथ भी ईमानदार रहूँगा और ये बात सच है कि पहले चुनाव जब हुआ था पहला चुनाव और बाबा फखरुद्दीन के गेट के नीचे एक मजमे कफ़ीर था उसके अंदर मैंने भाषण किया था तो अवार्ड साहब इलेक्शन जीत चुके थे तो उस पर एक बात निकली थी उस पर मैंने कहा कि मुमरा में इतने काम हैं कि पाँच साल नहीं दस साल नहीं पंद्रह साल तक होना चाहिए पंद्रह साल हो गए अब इसके बाद आगे देख तो वही वही पूछ रहा हूँ अब आगे कौन है पाँच पंद्रह साल आपने विधायक जितेंद्र भाट को मौका दिया आप कह रहे थे कि आपने चुनकर जो है इनको लाया है तो अभी आप आगे किसको चुनकर लाएंगे चुन के तो देखिए जनता देती है है ना ये तो ये रहता हमारा काम है मेहनत करना हम मेहनत कर देते हैं लेकिन यह है कि लोग यकीन करते हैं आज भी हमारे तो अब आप आगे किसके लिए मेहनत आगे ने? करेंगे देखेंगे जब उस वक्त जब आएगा वक्त तब देखा जाएगा लेकिन अभी तो फिलहाल अपनी पार्टी के साथ है यानी बैटिंग और बॉलिंग का इशारा कर रहे हैं आप दोनों मान के चलो आप फील्ड में उतरने के बाद वो देखा जाएगा जब आएगा टाइम लेकिन मैं अभी फिलहाल मेरी पार्टी के साथ हूँ और मेरे विधायक के साथ चाहिए आपको भी पूरे मुमरा शहर में आ, सच बोलने के लिए जाना जाता है लोग आपकी काफ़ी तारीफ भी करते हैं आपका इंटरव्यू देखते हैं सराहना करते हैं कि आप जो भी हैं वो बिंदास सच बोलते हैं लोगों के जहन में एक ऐसा भी आ, सवाल उठ रहा है कि कब्रस्तान स्लाटर हाउस की जो ज़मीनें हैं दरअसल ये हेर फेर कैसे हुआ क्या इसकी सच्चाई है कैसे हेर फेर किया गया कैसे क्या हुआ उसमें कि यहाँ के कब्रस्तान वहाँ चला गया स्लाटर हाउस का पता नहीं है गर्ल हॉस्टल का पता नहीं है तो ये कैसे पूरा गेम किया गया इसके बारे में भी लोग आपसे जानना चाहते हैं देखिए ऐसा है कि कब्रस्तान के इशू पे मैं साथ में नहीं था हट गया था मैं एक सच्चाई है उस वक्त मेरी और साहब की उस इशू के ऊपर दूरी बन गई थी मैं उसमें बिल्कुल नहीं था मैं कब्रस्तान की क्रेडिट में भी नहीं गया क्योंकि मैं कब्रस्तान के उसमें साथ में नहीं था उनके जो उसका उस दौर में सब चल रहा था उसमें मैं उनके साथ नहीं था अब रहा सवाल स्लाटर हाउस का ये सब इतना ज़्यादा इश्यू बन चुका है कि अब इस पर बोलने से कोई मतलब नहीं रह गया नहीं मतलब नहीं लोग ये जानना चाहते कि आखिर सच्चाई है क्या कैसे ये सब खेल किया गया देखो लो... वो लोग जानना चाहते हैं वो भी आपसे जानना चाहते देखिए ऐसा है क्योंकि कि... आपको लोग कह रहे हैं कि आप जो बोलते हैं बिंदास बोलते हैं और सच बोलते हैं देखिए मैं किसी हम... से डरते नहीं आप देखिए ऐसा है कि मैं हमेशा सच ही बोलता हूँ सच बोलने का खामियाजा भी भोपता हूँ सच बोलने के बाद जो जो फिर बोला जाता है मुझे है ना फिर ये चमचा एंड कंपनी जो बोलती है ना जो ना पहले चुनाव में थे ना दूसरे चुनाव में थे ना तीसरे चुनाव में थे लेकिन बात ऐसी होती है फिर तो ऐसा लगता है कि जैसे ए, कि पता नहीं क्या है तो इसके लिए जो है अब वो सब इश्यू पे बात करने का शहर भर को मालूम हो गया अब जिसको जो तरीके से मालूम है उस तरीके से लोगों ने किया छोड़िए जानिए वो सब बात कुछ पुछ पुछ तो बताइए थोड़ा लोगों को जान जाने दो, दो जान तो। छोड़ो वो सब क्या है कि ऐसा रहता ना कि एक वो चला है ए, वो कि अपना अपना भाव बढ़ा रहे है ना अपने अपना जैसा हर आदमी बयान दे रहा है जो आपने पहला पूछा कि कोई अव्हाट्सअप के बयान दे रहा है फेवर में कोई उसमें उसमें दे रहा है तो वो बात नहीं है बेना बात ये कि आदमी सच बोलना शुरू कर दे सच बोलना शुरू कर दोगे हमारा विधायक भी ठीक रहेगा उसके कारिंदे भी ठीक रहेंगे हम लोग भी ठीक रहेंगे ये जनता पे निर्भर होता है जनता ये सोचती है कि हम सो के और बैठ के चार सवाल लिख के छोड़ देंगे तो इससे नहीं होता है जनता को सवाल पूछना पड़ेगा जनता कब्रस्तान के मुद्दे पर पूरा शहर जो है विरोध कर रहा था एक हो गया था तो फिर आप क्यों उस मुद्दे से बाहर हो गए आपको भी आवाज़ उठानी चाहिए थी देखिए मैं उस... आपने वो मुद्दा क्यों छोड़ दिया देखिए हाँ। ऐसा है कि हमारी पार्टी थी पार्टी के अंदर कुछ एक रिस्पेक्ट होता है ना मैंने रफीक कामदार को एक बयान दिया था उसमें मैंने साफ बोला था कि मुझसे इसके बारे में कोई मशवरा नहीं किया गया इसलिए मैं इससे हट हट गया हूँ ना जिस चीज़ में मशवरा रहेगा उस चीज़ में मैं साथ में रहूंगा आपने देखा होगा कि मैं ओपनिंग में भी नहीं गया था क्योंकि कब्रिस्तान के ऊपर तो मेरा और का विवाद था कि सच्चाई है अच्छा अभी भी यही कहा जाता है कब्रिस्तान को लेकर कि कोरोना में काम आया तो कोरोना में काम आया तो जहाँ मिला था जमीन अगर वहाँ देते तब भी तो काम आता ना, है ना कोरोना में देखिए गुमराह किया ऐसा है कि मिल गया बन गया काम आ गया अब उस कब्रस्तान के इशू पे बात करना ठीक नहीं उसमें जो कमियां हैं उसको दूर कर दी जाए जैसा कि मैंने दूर करवाया ऐसा नहीं ठीक है मान भी चलिए ठीक है मान लेते हैं मान्य है। लेके कि उसको दूर करके उसको दुरुस्त कर देना चाहिए ठीक है लेकिन इसके अलावा भी जो स्लाटर हाउस है वो नहीं मिला गर्ल हॉस्टल नहीं मिला तो इसके लिए भी आप लोग क्या कर रहे हैं विधायक साहब तो कह रहे हैं कि आ रहा है आ रहा है मिल जाएगा कब मिलेगा मैनोफेस्टो चार बार पांच बार चार बार तीन बार छप चुका सब रहता है उसमें लेकिन मिलता नहीं ऐसा है कि अब विधायक साहब ने वो बोला है विधायक साहब से सवाल किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है ना फिर मैंने ये बोला कि मैं बोलूँगा तो फिर ये होगा हो कि देखो पार्टी लाइन से अलग बात करते अच्छा नहीं है वो उन्हीं से सवाल पूछ लीजिए कहाँ है क्या है कब आएगा कब नहीं आएगा एक सच्ची तारीख मिल जाए आप लोग बैठकर मीटिंग तो करते होंगे कि शहर में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए यही चीज़ का तो अफसोस है कि कभी शहर के हिसाब से कभी मीटिंग नहीं की गई और हमेशा जो है ऐसे गलत लोग को तरजीह दी गई कि जिन्होंने पूरा सरमाया भी जो ये सब चल रहा है वो सरमाया डुबा डाला मैं साफ बोलता हूँ कि अवार्ड साहब मेहनती आदमी है अवार्ड साहब मेहनत करने वाला आदमी है मेहनत में मेहनत में वो पागल इंतहा तक जाता है लेकिन मुशीरकार गड़बड़ थे तो इसकी वजह से सब हालात पैदा हुए शहर भर में अच्छा बबलू सैयद का भी एक बयान आया था सामने उन्होंने कहा कि अवार्ड जितेंद्र आवाड के ऊपर ही मुमर के सब नगर सेवक चुनकर आते हैं जिस पर अश्विन रावत ने भी बयान दिया आपके भी नाम का उन्होंने जिक्र किया कि आप इस पर सोचिए और जवाब दीजिए देखिए ऐसा है कि ठीक है अपना बबलू हमारा दोस्त है साथी है और अवार्ड साहब के पति वो रखता है हौसला एक तरीके से बोले रखता है तो उसने बात किया वो बराबर ठीक है उसके हिसाब से वो ठीक है लेकिन ऐसा नहीं है अश्विन राउत हफीज़ा नाइक असलम ये सब सब समाजवादी के कॉरपोरेटर थे मैं हम लोग सब एक बैच के थे कॉरपोरेटर ढाई साल निकलने के बाद अवार्ड साहब यहाँ से चुनाव लड़ने का उन्होंने सोचा और उसके बाद यहाँ की सियासत शुरू हुई सुभाष भोईर जी से मेरी कुछ नाराज़गी थी हमको भी कुछ एक चाहिए था अच्छा उम्मीदवार अवाट्स के नाम पे हम लोग साथ आ गए तब ढाई साल हुआ था मुझे महानगर महानगर पालिका में गए हुए कारपोरेटर बने हुए तो हम लोग तो पहले से चुन के आए हुए लोग थे उसके बाद जब चुना हुआ तो वो सारी दुश्मनियाँ अकेले मेरे गले में आई अवार्ड एप को लाने की मतलब सुभाष भोई नंबर वन एनिमी हो गए मेरे सुभाष भोई साहब राजन के नीचे चूँकि चुनाव लड़े थे तो उनको मैंने हरवाया था उनको उस चीज़ का गुस्सा था शानू पठान को मैंने वहाँ उम्मीदवारी दिलवाया था उस वजह से महिम कुंभ नाराज थे ये सारी नार शिवदास भगत साहब मेरे दोस्त स्वर्गवासी सुभाष शिवदास भगत साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त अच्छे दोस्तों में से वो नाराज़ थे कि नीचे कुछ लोग गड़बड़ कर रहे हैं शायद वो भाई साहब के इशारे से कर रहे हैं तो उस वक्त ऐसी सिचुएशन बनी कि पूरे शहर के हमारे मराठी नेता और अपना हिंदू नेता वो मेरे मुखालिफ हो गए तब दो का पैनल हुआ था तो बबलू सैद की भी वाइफ भाभी को मैंने लिया था तो हम चुनाव हार गए थे मैं मुसलमानों में चुनाव जीता था मेरे मराठी भाइयों ने यहाँ के लोकल नेताओं की बात सुन के मुझे वोट नहीं दिया तो मैं तो हार गया था ना तो सबसे बड़ी चीज़ तो मैं था तो मुझे हार जीतना चाहिए था अगर ऐसा है ये सब कहने की बात है कि इनके छूने से जीत जाता है इनके छूने से हार जाता है फिर उसके बाद ये पैनल बना चार का पैनल लड़े हम यहाँ पर हम हारे एक अनिता सीट जीती बाकी संगीता दवणे हारी बबलू सैयद आ रहा बबलू शिमना हारा तो रशीद कंपाउंड में हारे एक सौ तो चार ओट से तो रेहान की सीट तो आई तो ऐसा नहीं वो बीच में एक पट्टा पड़ता है शानू का हमारे सामने वो प्योर पट्टा होता है वो प्योर पट्टा जिसको बोला जाता है वहीं पे सबकी चलती है वहीं पे शानू की भी चलती है वहीं पे हमारे साहब की भी चलती है वहीं पे हमारे जफ़र भाई की भी चलती है वहीं पे हमारे शमीम भाई की भी चलती है वहाँ पे हमारी भी चलती है मुमरा एक अलग ट्रेंगलोर फाइट होती है या फाइट होती है अलग तरीके की यहाँ पर बैलेंसिंग कोर्ट की वो वो रहती है मेरे खिलाफ़ प्रचार किया गया कि मैं गाय का गोश्त बाँटता था तो इस तरीके से इस्लामुद्दीन भाई है क्या है कि किसी के कहने से किसी के छू देने से कोई सोना नहीं हो जाता है आदमी के अपने अपने किरदार होते हैं हर नगर सेवक जो चुन के आता है ना उसका कुछ न कुछ अपना अपना एक वो रहता है मैं तो सिस्टम से मेरे को हराया गया क्योंकि मैंने भी भोईर साहब के ख़िलाफ़ जब ये हरकत किया राजन केनी के खिलाफ जब लड़ा अवार्ड साहब के साथ रहा तो उसका खामियाजा मुझे भोगना पड़ा लेकिन ठीक है मुझे पार्टी ने दिया ऐसा भी नहीं मैं बोलता हूँ मुझे पार्टी ने फिर चेयरमैन बनाया है ना भले उसका कोई वो नहीं था लेकिन चेयरमैन बनाया मुझे पार्टी ने लेकिन ये है कि कारपोरेशन की राजनीति को मैंने वैसे भी छोड़ दिया क्योंकि वो दबाव की राजनीति रहती थी, थी और लोग उस पर ब्लैकमेल करते थे आज मैं बेफिक्र हूँ अच्छा जिस तरह से विधायक कह रहे हैं कि मैं अपक्ष में भी लडूंगा तो लाखों वोट से जीत कर आऊँगा जो माहौल है अभी मुमरा शहर में तो क्या लग रहा है आपको कि क्या वाकई में लाख वोट से जीत कर खैर चुनाव तो अभी लंबा है क्या है। उस वक्त का माहौल क्या रहता है लेकिन फिलहाल जो अभी चल रही स्थिति देखिए ऐसा है कि हर चीज़ वक्त और हालात पर होती है अभी पहले हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और, और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी एक थी अब हमारी पार्टी के अंदर दो फाट पड़ गए तो अवार्ड साहब इसमें कोई शक नहीं कि मेहनती आदमी है मेहनत करेंगे वो और ऐसा नहीं है काम किया है उन्होंने ऐसा नहीं कि इतना भी इग्नोर करना ठीक नहीं है लेकिन ये है कि ए, वो कुछ बातें ना हो के मतलब ऐसा आप डायरेक्ट किसी को बाहर निकाल दोगे ऐसा भी सिस्टम नहीं है काम उन्होंने किया है ठीक अच्छा ये भी आरोप लग रहा है आप पर कि आप जो है विधायक जितेंद्र रावत की एक तरफ़ तारीफ़ भी करते हैं और एक तरफ मीडिया में उनके ख़िलाफ़ बयान भी देते हैं आइए मैं इस पे क्लियर कर देता हूँ मैं सैयद अली अशरफ हूँ मैं न कॉन्ट्रैक्टर हूँ ना मैंने जितेंद्र रावत से चवन्नी लिया है न मैं स्टेशन का ठीक लेता हूँ न मैं सड़क का ठीका लेता हूँ ना मेरी कोई कंपनी है, है ना और न मैं चालीस साल से इस शहर में खिदमत कर रहा हूँ बेलॉस कर रहा हूँ ना मैंने किसी का आज तक कब्जा किया न किसी की ज़मीन लिया न मित्तल मैदान में मेरी कोई ज़मीन है पैसे वाला मैं हूँ ज़मीन मेरे पास भी है कारोबार मैं भी करता हूँ ना लेकिन मैंने महानगर पालिका और ये राजनीतिक सिस्टम से मैंने कोई पैसा वैसा नहीं कमाया है जो कमाया वो जाने मैं सामाजिक आदमी हूँ समाज के अंदर रहता हूँ समाज का काम करता हूँ वी सिंह के विचारों से पार्टी में आया था जनता दल से माध्यम से सोशलिस्ट विचार है मेरा समझने की कुवत है मैं किसी के एहसान वहसान के अंदर दबता नहीं हूँ और न मैंने किसी का लिया दिया है तो मैं किसी से क्यों डरूं मैं क्यों विधायक की तारीफ करूं मैं क्यों एक पार्टी में हूँ तो पार्टी में करना पड़ेगा एक पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ मैं लोग यही सोचते हैं कि आप विधायक के खिलाफ बोलो तो सही और विधायक के हक में बोलो तो गलत ऐसा नहीं जब बैलेंस करना है तो बात सच बोलना पड़ेगा तो बात जब सच्ची है तो उसका काम भी है ऐसा नहीं कि काम नहीं इनकार नहीं कर सकते आप उसको जरा एकदम थ्रो आउट कर रहे हो तो ये गलत है यह है कि कुछ गलतियां हैं है बिल्कुल है, है और सियासी आदमी से गलतियां होती है उनसे भी गलतियां हुई है बहुत हुई है जो गलतियां आप बता रहे गलतियां हुई दरअसल उनसे गलतियां हुई कि जो उनके साथ हैं उन लोगों की वजह से गलतियाँ करवा दी गई देखिए ऐसा है साहब कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये गलत है ये गलत है ये गलत है तो इसको मानो ना कि ये गलत है क्या सही है एक अधिकारी के हक में पूरे शहर को छोड़ दिया गया घोसवा भी सही है बाकी पूरे शहर का नगर सेवक गलत है पदाधिकारी गलत है सालून के सही है न बाकी नगर सेवक गलत है पदाधिकारी गलत है कलवा मुमरा का अध्यक्ष गलत है भाई साहब गलत है सारे लोग गलत है ये अधिकारी लोग सही जो इस नेता ने अधिकारी की बात सुना वहीं से सिस्टम ख़राब होता है और मुमरा को ख़त्म करने वाला आदमी अगर कोई है तो गोस्वा भी है तो आपने सुना कि भाई साहब जो है उन्होंने किस तरह से बयान दिया अपना हालांकि काफ़ी जो है चर्चा में भाई साहब रहते हैं कि जितेंद्र भाट के कभी ख़िलाफ़ भी बोलते हैं और कभी समर्थन में भी रहते हैं क्योंकि उनके कार्यकाल में मुमरा शहर का जो काम हुआ है कहीं ना कहीं हद तक जो काम हुआ है उसे इनकार भी नहीं किया जाता जो काम किया गया है लेकिन वही जो काम अभी बाकी हैं उस पर भी सवाल उठना जो है लाजमी है जैसे सलाटर हाउस है गर्ल हॉस्टल है और या और भी जो डायलिसिस सेंटर से तमाम मुद्दे लाइब्रेरी वगैरह जो काम नहीं हुआ है उन सब मुद्दों को लेकर भी अभी भी आवाज उठ रही है और आने वाले चुनाव में यह सब अहम मुद्दा भी रहेगा